Good morning everyone. So today we are going to revise what we have done previously in our chapter number 11, light shadows and reflection. इस पूरे चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो इनिशियली हमने डिस्कस किया था कि हमारे चारों तरफ अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं. कुछ एक ऑब्जेक्ट्स की शेप कैसी होती है, कुछ एक ऑब्जेक्ट्स की शेप जो है वो डिफरेंट होती है. कुछ एक जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको अलग कलर के मिलेंगे, कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट आपको डिफरेंट कलर के मिलेंगे. So on the basis of our observations, we just classify the objects into two categories. एक हमने luminous objects के बारे में discuss किया, दूसरा हमने discuss किया था non-luminous objects के बारे में. तो क्या होते हैं आपके luminous objects? वो objects जिनकी खुद की light होती है. The objects which have their own light are considered as luminous objects. For example, sun, torch, bulb, ये जो होते हैं. इसके अलावा non-luminous वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, विच डोंट हैव देयर ओन लाइट, दे आर कंसीडर्ड एज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. तो उसमें आपके जितने भी बाकी के ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे आ जाएंगे जिसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है. तो एक क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है, क्या मून आपका लुमिनस ऑब्जेक्ट है या नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट? तो मून जो है वो नॉन लुमिनस की कैटेगरी में आता है. वो हमें चमकता हुआ इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सनलाइट उसके ऊपर जब गिरती है तो वो सनलाइट के पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देता है. इसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी पड़ी थी उसके बेसिस पे हमने तीन तरह से आपके ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज किया था. जो पहले थे वो थे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, वो सारे ऑब्जेक्ट जिनके एक्रोस हम क्लियरली देख पाते हैं, जिनके आर पार हम इजीली देख पाते हैं, वो आपके कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. या हम बोल सकते हैं जिनके आर पार लाइट जो है वो इजीली पास हो जाती है उनको ट्रांसपेरेंट बोला जाता है. इसके एग्जाम्पल आप जो हो सकते हैं वो है ग्लास, वाटर, एयर. नेक्स्ट जो इसमें टाइप थी वो थी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स की. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पार देखा तो जा सकता है लेकिन क्लियरली नहीं देखा जा सकता वो आपके ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं. जैसे आपका पॉलीथिन जो पेपर है वो इसका एक एग्जांपल है. नेक्स्ट हमने जो डिस्कस किया था वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पार हम नहीं देख सकते वो कहलाते हैं आपके ओपेक ऑब्जेक्ट्स. ओपेक ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप क्लासरूम से भी उठा सकते हो, आपके ज्योमेट्री बॉक्स से भी उठा सकते हो, पेन, पेपर, पेंसिल जो है, या फिर आपका स्केल है, आप इनको फाइंड आउट कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं या नहीं है. तो एक्टिविटी फर्स्ट आपकी बेसिकली सेम एक्टिविटी है. इस एक्टिविटी में करना क्या है आपको, डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपके आसपास प्रेजेंट है उन ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करना है. कलेक्ट करने के बाद आपको जस्ट ये चेकआउट करना है कि क्या आप उसके आर पार देख पाते हो या नहीं देख पाते हो, लाइट उसके आर पार ट्रेवल कर पाती है या नहीं कर पाती है. और फिर पूरे डाटा को टेबुलेट करना है. एक तरफ आपको सीरियल नंबर लिखना है, ऑब्जेक्ट्स कौन से आपने देखे हैं उन ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखने हैं, दूसरी तरफ वो किस कैटेगरी के हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, ट्रांसलूसेंट हैं, या आपके ओपेक ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं, वो आपको फाइंड आउट करना है एक्टिविटी फर्स्ट में. इसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था शेडोज के बारे में, क्या होती हैं शेडोज. तो इस एक्टिविटी में हमने जो ऑब्जेक्ट एक्टिविटी फर्स्ट में लिए थे उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को लेना है, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को लेना है और ग्राउंड में सनी डे के दौरान हमें इसको करना है, यानी कि डार्क रूम में हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. तो हमें बेसिकली करना क्या है, ग्राउंड के ऊपर एक एक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है, उठाना है और ये चेकआउट करना है कि क्या लाइट उसके आर पार जा पाती है या नहीं, या किस तरह के आपको पैचेस देखने को मिलते हैं ग्राउंड पे. तो जब भी आप किसी पर्टिकुलर ओपेक ऑब्जेक्ट को उठाओगे, इनमें से जो ऑब्जेक्ट आपने चूज किए थे उनको उठाओगे, तो आपको जो है अलग अलग तरह की शेप्स आपको ग्राउंड के ऊपर देखने को मिलेंगी, अलग अलग तरह के डार्क पैचेस आपको देखने को मिलेंगे. तो वो जो डार्क पैचेस होते हैं वो कहलाते हैं शेडो ऑफ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. तो यहां पर हमने बेसिकली दो कंडीशन देखी शेडोज की फॉर्मेशन की. एक तो ओपेक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, दूसरा लाइट सोर्स की जरूरत होती है. और जब भी लाइट सोर्स के लाइट के बीच में किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो उसका डार्क पैच जो है वो हमें नीचे देखने को मिलता है. इसके अलावा और क्या जरूरी है शेडोज की फॉर्मेशन के लिए, वो नेक्स्ट जो एक्टिविटी है एक्टिविटी थ्री, ये आपको बता दी. तो नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है एक्टिविटी नंबर थ्री के बारे में. एक्टिविटी नंबर थ्री जो हमने डिस्कस की थी उसमें हमने बेसिकली किया क्या था, इस एक्टिविटी को हम ओपन ग्राउंड में परफॉर्म कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ. आप ओपन ग्राउंड में जाइए, अपने साथ एक टॉर्च और एक कार्डबोर्ड जो शीट है उसको लेके जाइए. इसके बाद आपको करना क्या है, अपने एक फ्रेंड को अपने सामने आप खड़ा कर सकते हो, फिर टॉर्च को जो है आपको ऑन करना है. अगर पीछे कोई बिल्डिंग या ट्री प्रेजेंट नहीं है तो इन दैट केस आपको ये देखना है कि क्या आपको शेडो मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट का काम आपका फ्रेंड करेगा, टॉर्च से जो लाइट आपने ली है वो लाइट सोर्स का काम करेगी. तो दोनों चीजें आपके पास हैं लेकिन फिर भी आपको शेडो मिलेगी या नहीं मिलेगी आपको चेकआउट करना है.
इस केस में आपको शेडो नहीं मिलेगी क्योंकि पीछे कुछ भी नहीं है, ना ही आपके ट्रीज है ना ही आपकी बिल्डिंग है। लेकिन सपोज कीजिए कि ट्रीज और बिल्डिंग है, आपने उस पर्टिकुलर एरिया को चूज किया, तो क्या आपको पीछे शेडो देखने को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि वहां पर जो आपके ट्रीज और बिल्डिंग्स हैं वो एक स्क्रीन का काम करते हैं। सेम आप कर सकते हो जो आप कार्डबोर्ड शीट अपने साथ लेके गए थे, अगर आप उसको अपने फ्रेंड के पीछे की तरफ होल्ड करो तो जो आपके फ्रेंड की शेडो है वो आपको उस कार्डबोर्ड शीट के ऊपर मिल जाएगी जब आप टॉर्च की लाइट उसके ऊपर डालते हो। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि ओपेक ऑब्जेक्ट और लाइट की तो जरूरत पड़ती ही है, साथ ही साथ आपको एक स्क्रीन की जरूरत पड़ती है ताकि आप जो शेडो है उसको गेट कर पाओ। इसके बाद नेक्स्ट थी आपकी एक्टिविटी नंबर 4। एक्टिविटी 4 से पहले हमने एक और चीज डिस्कस की थी कि जो आपकी शेडोज हैं वो आपके ऑब्जेक्ट्स की शेप के बारे में आपको बताती हैं, किस तरह का आपका ऑब्जेक्ट है उसके बारे में आपको पता चलता है। लेकिन कई बार ये आपको मिसलीड भी करती हैं, क्योंकि एक डायग्राम शोन है आपके लेसन में, वहां पर हैंड से डिफरेंट शेप्स को बनाया गया है, लेकिन जब आप उनको केयरफुली ऑब्जर्व करते हो तो ऐसा लगता है कि वो डिफरेंट एनिमल्स की शेप है लेकिन बनाई गई है हैंड से। तो कई बार आपकी जो शेडोज हैं वो आपको मिसलीड भी कर सकती हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था एक्टिविटी 4 के बारे में। एक्टिविटी 4 में हमने क्या किया था, हम एक चेयर को ग्राउंड में लेके जाते हैं और डिफरेंट टाइम्स पे उस पर किस तरह की शेडो बनती है उसको हमने चेक किया था, कब उसकी शेडो सबसे बड़ी बनती है कब सबसे छोटी बनती है ये हमने फाइंड आउट किया था। तो जब हम डिफरेंट टाइम्स पे उसकी शेडो को चेक करते हैं तो सनराइज और सनसेट के दौरान जो शेप मिलती है आपको शेडो की वो सबसे बड़ी होगी, और जब दोपहर का टाइम होता है जब सन जो बिल्कुल उसके ऊपर होता है तो उस टाइम जो शेडो मिलेगी वो बहुत छोटी शेडो आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा सपोज कीजिए आपके हाथ में अलग अलग कलर के ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग कलर के फ्लावर्स हैं, तो शेडो आपकी किस कलर की आपको देखने को मिलेगी? तो कलर का कोई रोल नहीं होता यहाँ पर, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो आपका उसकी शेडो जो बनेगी वो ब्लैक ही बनती है। इसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था एक सपोज कीजिए हमारे पास एक बुक है या फिर दूसरा एक बॉक्स है, तो बुक की और बॉक्स की शेप अगर सेम है तो उसकी जो शेडो बनेगी वो शेडो भी सेम ही बनती है। नेक्स्ट हमने यूज किया था एक और क्यूब जैसे बॉक्स को, क्यूबॉइड जैसे बॉक्स को, उसकी शेडो कैसी बनती है वो हमने फाइंड आउट किया था। अलग अलग एंगल्स पे अगर हम उसकी शेडो को चेकआउट करें, लाइट सोर्स को अलग अलग एंगल्स से उसके ऊपर डालें, तो उससे क्या होगा, अलग अलग तरह की उसकी शेडो जो है वो देखने को मिल सकती है। एक ही पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की दो तरह की शेडोज भी आपको देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था पिन होल कैमरा के बारे में। पिन होल कैमरा एक बिल्कुल सिंपल सा कैमरा होता है, किस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है सबसे पहले उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो लास्ट एक्टिविटी में हमने जो क्यूब बॉक्स यूज किया था उसी तरह के दो बॉक्सेस का हम यूज करते हैं। फर्स्ट बॉक्स जो होता है वो आपका थोड़ा सा लार्ज बॉक्स होता है, उसके एक फेस को हम ओपन रखते हैं और दूसरे फेस पे एक छोटा सा होल किया जाता है। इसके बाद दूसरा जो बॉक्स है उसके एक फेस को ओपन रखते हैं और दूसरे फेस से हम एक 5 सेंटीमीटर का स्क्वेयर कट करते हैं, फिर उसके ऊपर जो ट्रेसिंग पेपर होता है उसको फिक्स कर देते हैं। इसके बाद जो स्मॉल बॉक्स है उसको लार्ज बॉक्स के अंदर फिक्स कर दिया जाता है, उसके अंदर जो है वो हम डाल देते हैं। तो अब जो आपके पास है वो आपका पिन होल कैमरा रेडी है। आपको ये चेक करना है कि स्मॉल बॉक्स उसके अंदर इजीली मूव कर पाए और उनके बीच में किसी भी तरह का कोई गैप ना हो। इस कैमरा को आप यूज कर सकते हो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। तो किस तरह की इमेजेस आपको देखने को मिलती है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ट्रेसिंग पेपर के ऊपर आपको जो इमेजेस मिलेंगी वो यूजुअली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की इन्वर्टेड इमेजेस आपको देखने को मिलेंगे, तो ये आपको अपसाइड डाउन इमेजेस शो करता है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। तो उसकी हेल्प से आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो, ट्रीज को देख सकते हो, व्हीकल्स को देख सकते हो, या फिर जो आपका सन है उसकी इमेज भी आप उसके ऊपर ले सकते हो। जब आप सन की इमेज लेते हो तो आपको ट्रेसिंग पेपर के ऊपर एक छोटा सा स्पॉट देखने को मिलता है और वो स्पॉट जो है वो आपकी पिन होल इमेज होती है सन की। तो उसी तरह से आप नेचर में भी देखते हो कि जो ट्रीज होते हैं उनकी लीव्स के बीच में अलग अलग तरह की शेप्स होती हैं, लेकिन जब सनलाइट उनके बीच से होती हुई आपकी ग्राउंड के ऊपर गिरती है तो आपको यूजुअली सर्कुलर इमेजेस देखने को मिलती हैं। तो वो सारी इमेजेस आपके सन की पिन होल इमेजेस ही होती हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था एक्टिविटी नंबर 6 के बारे में। तो पहली और बुझो ये सोचते हैं कि ये जो शेडो की फॉर्मेशन है या फिर हम जो डिफरेंट इमेजेस पिन होल कैमरा में देख पाते हैं तो वो सारी इमेजेस बनती हैं क्योंकि जो आपकी लाइट है वो केवल ट्रेवल कर पाती है स्ट्रेट लाइन में। तो हम नेक्स्ट एक्टिविटी में एक्टिविटी नंबर 6 में हमने यही चेकआउट किया था कि आपकी जो लाइट है क्या वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है या स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती है।
तो इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, एक कैंडल लेंगे, उसको लाइट करेंगे, लाइटेड कैंडल हमें लेनी है, उसको एक टेबल के ऊपर फिक्स कर दोगे। इसके बाद आपको दो पाइप लेनी है, एक तो बेंट पाइप आपको लेनी है और एक बिल्कुल स्ट्रेट पाइप आपको लेनी है। पहले आप स्ट्रेट पाइप से जो कैंडल की फ्लेम है उसको देखने की कोशिश करोगे, इसके बाद बेंट पाइप से देखने की कोशिश करोगे और अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट करोगे। तो जब आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हो तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जब आप स्ट्रेट पाइप से कैंडल की फ्लेम को देखते हो तो वो आपको इजीली दिखाई देती है, लेकिन जब आप बेंट पाइप से उसको देखते हो तो वो आपको इजीली दिखाई नहीं देगी। तो इसका मतलब क्या है कि लाइट जो है वो हमेशा ही आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, और जब भी कोई ओपेक ऑब्जेक्ट उसके बीच में आ जाता है तो शेडोज की फॉर्मेशन होती है। तो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था मिरर्स और रिफ्लेक्शन के बारे में। मिरर क्या होता है? सबसे पहले मिरर कोई भी शाइनी सरफेस हो सकता है जो आपकी लाइट के पाथ को चेंज कर देता है, और ये जो प्रोसेस है लाइट का अपने पाथ को चेंज कर लेने का किसी भी शाइनी सरफेस से टकरा कर, ये कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसी से रिलेटेड हमने एक्टिविटी 7 और एक्टिविटी नंबर 8 को डिस्कस किया था। एक्टिविटी 7 में आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड के साथ एक डार्क रूम में आप चले जाओगे। इसके बाद आपको एक मिरर लेना है, किसी तीसरे फ्रेंड को आपको ये बोलना है कि वो मिरर को होल्ड करे। एक टॉर्च आपको अपने साथ लेके जानी है, उस टॉर्च के जो ग्लास है उसको कवर कर लेना है अपने हैंड से, और एक थोड़ा सा गैप आपको छोड़ना है विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स, ताकि लाइट जो है वो आपकी फिंगर्स के बीच से निकल सके और आपको एक बीम ऑफ लाइट जो है वो मिल सके। तो इसके बाद आपको इस तरह से एडजस्टमेंट करनी है कि जो लाइट है वो आपके मिरर के ऊपर गिरे। मिरर पर जब वो लाइट गिरती है तो आपको किसी दूसरे कॉर्नर में उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, लाइट के पैचेस आपको देखने को मिलेंगे, तो वो जो है वो बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही होता है। इसके बाद आप उसको इस तरह से डायरेक्ट कीजिए कि वो आपके तीसरे फ्रेंड के ऊपर डायरेक्ट हो। तो ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है बेसिकली आपको रिफ्लेक्शन के फिनोमिना के बारे में बताती है कि लाइट जो है वो अगर किसी भी शाइनी सरफेस से टकराएगी, मिरर से अगर टकराती है तो अपने पाथ को चेंज कर लेती है, और ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो आपको रिफ्लेक्शन और शेडोज दोनों के बारे में बताती है। तो इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है, एक थर्मोकोल शीट लेनी है, उसके एक एंड पे आपको एक कॉम्ब को फिक्स कर देना है। इसके बाद उसके दूसरे एंड पे आपको एक मिरर जो है वो लगाना है थोड़े से एंगल पे, और उसके बीच में एक डार्क जो है पेपर वो आपको फिक्स कर देना है। इसके बाद आपको एक टॉर्च लेनी है, टॉर्च से लाइट को डायरेक्ट करना है कॉम्ब के ऊपर। जब आप कॉम्ब के ऊपर लाइट को डायरेक्ट करते हो तो कॉम्ब के जस्ट बिहाइंड उसकी शेडो आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद लाइट उसमें से पास करती है, पास करने के बाद मिरर से स्ट्राइक होगी, स्ट्राइक होने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होती है वापस, तो आपको कॉम्ब की दूसरी शेप आपको देखने को मिलेगी, दूसरी तरफ उससे थोड़ी सी आगे आपको देखने को मिल सकती है। तो ये जो दूसरी शेप आती है ये आती है रिफ्लेक्शन की वजह से। तो इस तरह से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो शेडोज और रिफ्लेक्शन वो किस तरह से होते हैं, मिरर का क्या रोल है उसमें, आपकी लाइट का शेडोज की फॉर्मेशन में क्या रोल है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स का क्या रोल है, और किस तरह की शेडो आपको देखने को मिलेंगी, ये सारी चीजें आप एक्टिविटी नंबर 8 से फाइंड आउट कर सकते हो। सो दैट वॉज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 11। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।